हेलो स्टूडेंट, स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल। आज मैं तुहाडे लई बहुत ही वधिया बहुत ही इनफॉर्मेशन देण वास्ते आया। वो की है, अज मैं तुहानू बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट गल करन दी कोशिश करूँगा। मैं तुहानू ये दसन दी कोशिश करूँगा कि पंजाब दी पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है जगत गुरु ओप गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि इनू शॉर्ट फॉर्म दे विच PSOU भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट सारिया नू ये जिहड़ी यूनिवर्सिटी है ये सारे बच्चों की सारे जिहड़े बच्चों के पेरेंट्स है उन्होंने टेंशन नू जिहड़ी है कि बच्चे नू अगे की करवाइए उहदे बारे मैं अज तुहानू चर्चा करन जा रहा। सब तो पहला तुसी ये देख लो कि 2019 दे विच ये यूनिवर्सिटी बनी सी पटियाले। इहदा जिहड़ा मेन हैड ऑफिस है वह पटियाले है। तुसीं इह देखना है इस यूनिवर्सिटी दे विच डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स जिहड़े है वह चल रहे हैं। जदों ही तुसीं इस यूनिवर्सिटी की साइट जदों ओपन करोगे, जदों तुसीं गूगल के उत्ते लिखोगे जगत गुरु नानक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, तो तुहानूं इस तरह का जिहड़ा पेज है वह तुहानूं लिखिया आएगा। जदों तुसी होम अबाउट अस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन स्टूडेंट्स और स्कूल ते जदों इस जगह ते तुसी लिखोगे तां उत्थे न्यू दा फोल्डर आ रहा होएगा। उस ते जदों तुसी क्लिक करोगे तां तुहानूं इस तरह का जिहड़ा फोल्डर है वह दिखेगा, यानी कि वह थोड़ी जी स्लाइड अगे है। पर इस तो पहला मैं तुहानूं यह चर्चा करना चाहना कि इस यूनिवर्सिटी पंजाब की स्टेट यूनिवर्सिटी पहली ओपन यूनिवर्सिटी है जिदे विच बच्चे नू की है डिस्टेंस तो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जिन्हों बोलते हैं ODL। और इस यूनिवर्सिटी के जेडे एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं, जिवें कि कुछ दिन पहला अखबारों के इश्तहार भी आए सी। हुण इहदे जेडे फॉरम है वह चल रहे हैं। जिहड़ा भी स्टूडेंट इस चैनल पर नवा है वो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लैन, लाइक जरूर कर लैन और शेयर जरूर कर लैन। मैं तुहानू इस यूनिवर्सिटी बारे क्यों दस रहा हाँ, क्योंकि तुहाडा जिहड़ा है टाइम तुहाडा पैसा दोनों चीज़ां बचण वालियां हैगियां। देखो स्टूडेंट, जगत गुरु ओपन पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला विखे है। इह नू दो तरह के एडमिशन होंदे है, एक तो डायरैक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन होंदे है जिन्हां नू आपां ODL बोलते हैं, एक कुछ एडमिशन जिहड़े है कॉलेज के थ्रू भी होंदे है। मेरी गल समझ आ गई? आपां जिहड़ा एडमिशन लेना है वह आपां किस तरह लेना है, वह डायरैक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना है तुसी, यानी कि उहनूं बोलदे आ ODL। जदों तुसी उहनां दा एडमिशन दा जदों पोर्टल ओपन करदे हो तां उत्थे लिखिया आंदा है कि किहड़ा है। तुसी अगर प्लस टू की है तां तुसी की है फ्रैश स्टूडेंट हो, तुसी ODL भरना है। मैं तुहानूं इह समझाउण दी कोशिश कर रहा कि इस तरह नाल इस यूनिवर्सिटी का पंपलेट सी किहड़े किहड़े कोर्स ने, इहदे बारे आपां चर्चा करांगे। उहदी फीस की है, उहदे फायदे की है, वो आप अज चर्चा करांगे। देखो बई, जिस तरह नाल मास्टर कोर्स इन्हां दे हैगे है MCOM MA इंग्लिश और MA पंजाबी। अजे तक नवी यूनिवर्सिटी है, कैंपस इस्टैबलिश होना बाकी है, तो इहदे विच इन्ने कोर्स जिहड़े है वह मास्टर प्रोग्राम के चल रहे हैं। उहदे नाल नाल ही सब तो इंपोर्टेंट, मान लो कोई स्टूडेंट ने प्लस टू की है, प्लस टू तो बाद कोई बच्चा BCA वल जांदा है, कोई स्टूडेंट BSc IT वल जाता है, कोई BBA वल जाता है, तो मेरी तुहानू एक अपना मैंटर समझ लो, भरा समझ लो। उहदे लई तुहानू मैं एक सुझाव देने की कोशिश कर रहा कि तुसी इस कोर्स के एडमिशन लोगे तो तुहानू कंप्यूटर की रेलेवेंट डिग्री मिलेगी, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस डाटा साइंस। स्टूडेंट आ जिहड़ा कोर्स है ना ये IIT रुड़की दे विच चल रहा है, डाटा साइंस, ठीक है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT बोलते उन्हों। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है ये, तुसी तुहाडे बच्चियां नू। अरे अच्छा, इहदा फायदा की है, पंजाब पुलिस दे विच वैकेंसी निकलती है इंटेलीजेंस और इंटेलीजेंस कॉन्स्टेबल, जिवें कि हुण विजिलेंस दे विच पंजाब सरकार भर्ती कर रही है, तो उहदे विच देखियो मंगण गिया भी घट्टो घट्ट BCA 3 साल कंप्यूटर एज ए तुहाडा वन ऑफ सबजैक्ट पढ़िया होना चाहिए।
ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੀਏ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 6500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ 6500 ਰੁਪਇਆ, ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ 5200 ਰੁਪਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬੋਲੋ ਜੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਭਗ ਪੈਸਾ 11.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਔਰ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਫਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਡੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਾਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬਾਤ ਰਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਝੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਕੌਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਟੂ ਐਨੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5500 ਰੁਪਏ, 4500 ਰੁਪਏ, 4500 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੱਸ ਟੂ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਵਾਉਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕ, ਅਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5000 ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ 3700 ਰੁਪਈਆ, ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ 4000 ਰੁਪਈਆ,
चौथे सेमेस्टर की 3700 रुपया। अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है और वो डिग्री करना चाहता है तो उसके वास्ते फीस जी घट है, डिफरेंटली एबल्ड परसन लिए फ्री है। शिक्षा दल वास्ते 500 रुपए है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है बई। तो सारे बच्चों मैं ये गल कह की कोशिश कर रहा। अगे देखो पोस्ट ग्रैजुएशन एम कॉम भी है जिदे विच बीबीए बीसीए ये सारे जड़े एलिजिबिलिटी जिन्होंने की भी है वह एम कॉम कर सकते हैं। उन्होंने फीस ये है जेडे जरनल है यानी कि जेडे आम कैंडीडेट है। तुसी देखो उहदे नाल नाल एम ए पंजाबी भी है, तुसी एम ए पंजाबी भी कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी के विचों ओपन डिस्टेंस तो, उहदी फीस लगभग इन्नी है देखो बई, ठीक है ना। ये तुसी देख लो पहले सेमेस्टर दे विच 5000, दूजे सेमेस्टर च 3700, तीजे च 4200, इस तरह की फीस है। उन्होंने साइट तो ही मैं डाटा जिहड़ा है चक्या। तुसी ये देखियो बई उहदे नाल नाल कई स्टूडेंट इहो जिहे जिवें सर्टिफिकेट कोर्स है, जिवें मैं तुहानूं गल करां अपने पंजाब का पेपर होया कोई भी पटवारी का पेपर है, जिवें मान लो कोई पटवारी का पेपर है, देखो पटवारी के पेपर वास्ते बी ए दे नाल नाल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी कि पी ट्रिपल एस बोर्ड ये गल कहिंदा भी घट्टो घट 120 घंटिया का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। आ जिहड़ा कोर्स है ना तुहाडा कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर तुसी इहनूं 6 महीनों का करोगे तो तुहानूं सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा 2200 रुपया च। अगर तुसी इहनूं आ देखो वैसे तो इन्होंने थोड़ी जी फीस मैनूं लगे वधा दित्ती गई है क्योंकि पहला 2200 सी हुण 2800 सी, पर अगर तुसी 6 महीने तो एक साल का करोगे यानी कि 6 महीनों तो अगे तुसी वधाओगे तो तुहानूं इसे कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरी गल समझ आ गई, मैं तुहानूं की समझाने की कोशिश कर रहा, मैं की दसण की कोशिश कर रहा कि आ देखो बहुत सर्टिफिकेट कोर्स भी इन्हां दे यूनिवर्सिटी दे चल रहे हैं कि जिवें आ देखो GST फिलिंग एंड प्रैक्टिस, ठीक है, नैलेट नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स इस कोर्स नूं करवाउंदा है ते इहदी फीस बहुत है, उत्थे इत्थे सिर्फ 2800 रुपये है। इनकम टैक्स फिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन की फीस 2800 रुपये है 6 महीने सर्टिफिकेट कोर्स। साइबर सिक्योरिटी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात दे विच है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी इस सर्टिफिकेट कोर्स दे बहुत ज़्यादा जेडे है थोड़े ज़्यादा पैसे लेंदी है, पर है भी वो भी यूनिवर्सिटी, पर वो दे नाल फोरेंसिक थोड़ी जी अटैच है। मैं तुहानूं की कहने की कोशिश कर रहा, तुसी अगर साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कोर्स लेना चाहते हो तो 2800 रुपये, अगर तुसी इस 6 महीने तो वध लाना चाहते हो तो वो डिप्लोमा च काउंट हो जाएगा, ठीक है बई। उस तरह नाल रूरल मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और डाटा साइंस आ कोर्स देखो, आ देखो अगर तुसी 12 महीने लाओगे इहदा मतलब डिप्लोमा कोर्स मिल। तो स्टूडेंट मैं तुहानूं यही गल कहण दी समझाण दी कोशिश कर रहा सी, ठीक है। मेरे हिसाब नाल जिहड़ा बच्चा प्लस टू कीती है जिन्हें मैडिकल नॉन मैडिकल या अदर स्ट्रीम तो जिन्होंने आर्ट दे विच कंप्यूटर लिखा है तो वह डाटा साइंस दे विच कर सकता है, या वह बी ए लिबरल आर्ट दे विच भी वह जिहड़ा है अपनी बी ए कंप्लीट कर सकता है। अबोर दे विच पेपर हो जाएंगे जिवें बठिंडा है, बठिंडे दे विच जिवें मान लो बुच्चो है तब तुहाडा मतलब जिले दे विच एक सेंटर पै जाना है, उत्थे ही तुहाडे पेपर हो जाने, ठीक है। बाद च तुहानूं सेंटर की चॉइस भी आजूगी कि कहड़े कहड़े तुसी एग्जाम सेंटर भरने हैं, ठीक है बई। तुसी ये गल ध्यान रखना है, तुहानूं मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं जिहड़ी है मेरी गल समझ आई है। बहुत ही वधिया यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पूरी वैलिड है, ठीक है, इहदे च कोई दौरा ही नहीं। तो मिलते हैं आप फिर, हाँ जी अंत दे विच इस चैनल नूं तुसी जरूर सबसक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना, ओके धन्यवाद।